तो हमने कुछ इस तरह का काम कर लिया था कि यहाँ से मैं एक बुक का नाम लिखता था और ऐड बुक टू डेटाबेस का बटन दबाता था तो ये डेटाबेस में राइट हो जाता था। फायरबेस का कॉन्सोल भी ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पे मैंने B9 के नाम से एक ऐप बनाई थी जिसमें मेरा डेटाबेस है, उस ऐप को ज़रा ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो आके यहाँ पर ऐड हो रही हैं। अच्छा, अगला काम हमने ये करना था कि इन बुक्स को जो कि ऐड हो रही हैं मेरे पास डेटाबेस में, उनको मैंने रीड करना है। पेज लोड होते ही उसको मैंने रीड करके लेकर आना है मेरे पास। अच्छा, तो अब इसके लिए देख लेते हैं कि जी क्या हमारे पास ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। नंबर एक ऑप्शन तो इसमें ये है हमारे पास कि हम डेटाबेस में से डेटा को रीड करें वंस, एक दफ़ा, और ला के स्क्रीन पर उसको दिखा दें। अच्छा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, डेटा को रीड करें रियल टाइम वाले हिसाब से कि जब भी नया बुक ऐड हो तो वो खुद ही उठ कर आ जाए, ठीक है। तो दोनों तरीके हम कोशिश करते हैं देख लेने की। ओके, फायर स्टोर डॉक्यूमेंट में मैं चला गया फायर स्टोर पर, ठीक है। अच्छा, एक तो रियल टाइम डेटा बेस है इनका, वो पुराना है, उसको तो हमने देखना नहीं है। ये फायर स्टोर में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, रियल टाइम वाला भी और बगैर रियल टाइम वाला भी। हाँ, रियल टाइम जब है तो दूसरे की ज़रूरत क्यों है, ये अच्छा सवाल है। देखो, रियल टाइम जो डेटाबेस है ना वो चलता है सॉकेट पे, सॉकेट बनता है उसका। अच्छा, सॉकेट पता है लोगों को, आप लोगों को कि क्या है? गेट डेटा, सही है। सॉकेट वो है जिसमें प्लग लगाते हैं घर पे। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, उसी को कहते हैं सॉकेट। तो अच्छा, सॉकेट जैसे ये USB पोर्ट होती है ना, जो ये भी काइंड ऑफ सॉकेट है, इसमें भी आप पोर्ट लगाते हैं तो ये सॉकेट कहलाएगा। तो चार्जिंग, आपके फ़ोन में चार्जिंग की जगह बनी हुई है, वो भी सॉकेट है आपका, ठीक है। तो सॉकेट का मतलब ये है कि आपने किसी जगह पर तार कनेक्ट कर दी। डेटाबेस में या सर्वर की ज़ुबान में सॉकेट उस चीज़ को कहते हैं हम कि आपका सर्वर से एक लाइव कनेक्शन बन जाता है। अब ये सर्वर का लाइव कनेक्शन कैसे बनता है, इंशाल्लाह हम जब सर्वर पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि हमने सर्वर बनाया नहीं है ना अभी, तो उसका हमें आइडिया नहीं है कि वो क्या चक्कर है। वेल, अभी इतना समझ लें कि ये सॉकेट का जो कनेक्शन है ये सर्वर के लिए हैवी होता है, निस्बतन हैवी होता है। मिसाल के तौर पर अगर 6 लोग कनेक्ट हो गए हैं सॉकेट के ज़रिए, तो अब सर्वर क्या करेगा, उन 6 लोगों का एड्रेस संभाल के रखेगा सर्वर पे, क्योंकि जब भी कोई चेंज होगी उनको भेजना है चेंज, तो उनका सबका पता जो है वो सर्वर पे उसको संभालना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉकेट वाला जो यूज़र है वो सर्वर के लिए रिसोर्स एक्सपेंसिव होता है। इस वजह से हमारे पास ना रियल टाइम के अलावा नॉर्मल वाला भी मौजूद है। अच्छा, बगैर सॉकेट वाला जो कनेक्शन है उसमें जस्ट रिक्वेस्ट गई, रीड किया और रिस्पॉन्स आ गया, अब आपका सर्वर से रब्ता मुनक़ता हो जाता है, ठीक है। सर्वर पे कोई लोड अब मौजूद नहीं है रिस्पांस आने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। इस वजह से जो बगैर रियल टाइम वाला डेटा को रीड करने का जो स्टाइल है वो हमारे सर्वर के लिए, हमारे डेटाबेस के लिए लेस एक्सपेंसिव है। मिसाल के तौर पे अगर मैं रीड राइट ऑपरेशन करता हूँ ना 10,000, नॉर्मल वाले जो रीड राइट ऑपरेशन है 10,000, तो उतनी रिसोर्स में सॉकेट का सिर्फ 100 यूज़र कनेक्ट होगा, ठीक है। तो एक 100 और एक 10,000 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं कि वो नॉर्मल वाला जो तरीका है वो कौन सा है। गेट डेटा करके यहाँ पे इन्होंने बताया भाई। हाँ, जूम कर देता हूँ मैं ज़रा उस जगह तक पहुँच जाऊँ। अच्छा, इस वाले डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें ना तो इन्होंने क्या किया है, एक सिटीज़ करके एक कलेक्शन बनाया है, ठीक है। इसको बड़े गौर से समझना है, ये डॉक्यूमेंट पूरा इसके ऊपर बेस कर रहा है। इन्होंने ये सैम्पल डेटा रख दिया है कि एक डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है सिटीज़ के नाम से, और उसमें क्या रखते हैं ये, उसमें ये इस तरह का एक सिटी सेव करवाते हैं, ठीक है। सिटी में नाम है, स्टेट है, कंट्री है, कैपिटल है, पॉपुलेशन है और रीजन है। तो ये 5-6 कीज़ वाला एक ऑब्जेक्ट सेव कराते हैं। हमारे केस में क्या है, बुक्स है कलेक्शन का नाम,
और उसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बुक की, इसमें तकरीबन 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्होंने कितनी सिटीज़ करवाई हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 सिटीज़ इन्होंने डेटाबेस में रखवा दी है इस जगह पे, और आगे जो भी एग्जांपल है ना वो सारी इस पे बेस कर रही है। अब आप देखें ये ना इसी कलेक्शन में से डेटा उठाना सिखा रहा है, तो ये आप जब उसको समझेंगे तो आपको सही से समझ आएगा ये। अच्छा, इसने बोला भाई कि डेटा को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ रिक्वायर करनी पड़ेगी, ऊपर लाइब्रेरी में से उठाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और गेट डॉक्यूमेंट, 2 फंक्शन है ये। अच्छा, और ऐसे करके आप बना लेंगे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बनाने के बाद आप क्या करेंगे, गेट डॉक्यूमेंट का फंक्शन चलाएंगे तो वो आपके पास उठकर आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि सिटीज़ में से ना एक ख़ास डॉक्यूमेंट इन्होंने उठाया है, SF के नाम से एक डॉक्यूमेंट। अब ये SF क्या चीज़ है, आके यहाँ देख लेते हैं ज़रा। ये इन्होंने ना की रखवाई है इसकी। अच्छा, डॉक्यूमेंट को जो हमने सेट करवाया था ना ऐड डॉक्यूमेंट करके, हमने की हाथ से सेट नहीं करवाई थी, हमने की को डेटाबेस पे छोड़ दिया था कि जी आपका जैसे दिल करता है आप वैसे इसको बना दो। अच्छा, इन्होंने हाथ से सेट करवाई है की, मिसाल के तौर पे, यानी ये वाला जो डॉक्यूमेंट सेट हो रहा है ना, ये जो डॉक्यूमेंट सेट हो रहा है ये इस जगह पे आपको दिखेगा ना, तो यहाँ पे इस जगह पे SF लिखा हुआ है और वो उनको एग्जैक्टली पता है, तो वो उस SF करके उठाते हैं। अब हमें ये की तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम ये सिंगल डॉक्यूमेंट उठाने वाला काम, हम फिलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है ये वाला, ये जो सिंगल सिंगल करके ये उठा रहा है ना डॉक्यूमेंट, कि जी वो एक डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिकली इसने नाम लिखा है, हम ये नहीं कर सकते। हमें क्या उठाना है, हमें पूरा कलेक्शन उठा के लाना है। हमारे केस में हमें ये करना होगा कि पूरा कलेक्शन उठाना होगा। अच्छा, तो पूरे कलेक्शन को उठाने के लिए हम देख लेते हैं क्या कोड है। अच्छा, वो यहाँ पे शायद इन्होंने लिखा ही नहीं है पूरे कलेक्शन को उठाने वाला। ये रहा, गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो क्या बोला है कि कलेक्शन डीबी और सिटीज, जस्ट इसके कॉमा डाल के आगे कुछ नहीं लिखा है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉमा डाल के जब आगे कुछ नहीं लिखते तो हमें एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो इस वाले कोड को ज़रा हम उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया इस पूरे कोड को मैंने, और इस पूरे कोड को कॉपी करके मैं अपने कोड में आ जाता हूँ। अपने कोड में आके मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन क्या हो, मेरा पेज लोड होते ही चल जाए। कैसे हो, कैसे बनेगा ऐसा फंक्शन जो पेज लोड होते ही चल जाए? एक तो तरीका ये होगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसको लेट ऑन लोड इक्वल्स टू अ फंक्शन, और इसको जो है ना मैं ऑन लोड को ऐसे मैं चला दूं, ठीक है। तो ये तरीका क्या अप्रोप्रिएट है, ये तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है, सही है। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें करना है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और नहीं, एक डॉक्यूमेंट रेडी करके भी एक होता है, एक तो ऑन लोड होता है, एक मिनट वो मैं भूल गया डॉक्यूमेंट रेडी क्या होता है, तो मैं नाम भूल गया उस इवेंट का। अच्छा, वो रेडी जो होता है वो वनीला जावास्क्रिप्ट, वो प्लेन जावास्क्रिप्ट नहीं है। यार मैंने सब मिक्स कर दिया ना, सारे फ्रेमवर्क, सारी लाइब्रेरी इधर मिक्स हो गई है मेरे। हाँ, ये इसने एक बात की है, जस्ट टू मेक श्योर मैं ये वो कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे समझ आ गई है कि वो जावास्क्रिप्ट के प्लेन में नहीं है।
अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे एक बात बताई है कि आपने क्या करना है, ये वाला इवेंट लिसनर आप लगा सकते हैं, डॉम कंटेंट लोडेड, ये वाला इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। लेकिन खैर वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन नहीं है, वो लाइब्रेरीज लेवल पे वो होता है इस नाम से ना, तो हम चुप करके यहाँ पे ऑन लोड लगा लेते हैं। अच्छा ऑन लोड की भी ज़रा मेक श्योर कर लेते हैं, ऑन लोड इवेंट ज़रा देख लेते हैं स्पेलिंग उसकी क्या है। ठीक है ऑन लोड ही उसकी स्पेलिंग है। अच्छा जब हम यहाँ पे करके लगाते हैं तो हम ऑन नहीं लगाते, जस्ट लोड लिखेंगे हम, और यहाँ पे कॉमा डाल के मैं इस फंक्शन का नाम लिख दूंगा मेरा ऑन लोड। तो मैंने इस फंक्शन को अटैच कर दिया कि डॉक्यूमेंट के लोड पे ये चल जाए। ठीक है अगर हम लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के लेवल पे होते हैं तो उसमें आमतौर पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी या डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेडी करके हमारे पास एक होता है, तो उसमें हम ये लगा रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें चल जाएगा। अच्छा इसके अंदर अब मैंने क्या पेस्ट करना है लाके, जो ये मेरा कोड था ना डेटा को गेट करने वाला, ये मुझे इधर लगाना है लाके। अच्छा इम्पोर्ट वाली जो बात है सारी वो हमें कहाँ पे कर देनी है, यहाँ से कट करके वो जाहिर है वो टॉप पे करनी है, मैंने ये टॉप पे आ गई। अच्छा कलेक्शन मैंने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, क्वेरी वेयर और गेट डॉक्यूमेंट, ये तीन चीज़ें जो है मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको इधर ही ऐड कर देता हूँ ऊपर ही। सही है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अच्छा अब देखो होता क्या है यहाँ पे, पहले तो ये कह रहा है भाई अवेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस फंक्शन को मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा जब ही इसके अंदर अवेट चलेगा। अब इस कोड में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक क्वेरी तैयार कर रहा हूँ डेटा को गेट करने के लिए। अच्छा कलेक्शन, एक तो पहले क्वेरी में सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, कलेक्शन का एड्रेस बता रहा हूँ पूरा, इसको मैं चाहूँ तो अलग से भी बना के वेरिएबल में डाल सकता हूँ, लेकिन एक ही बात है। अच्छा उसके बाद मैं लगाता हूँ वेयर कैपिटल इक्वल्स इक्वल्स ट्रू, ठीक है तो कैपिटल में इन्होंने ट्रू रखा है, देख लेते हैं एक दफ़ा ज़रा यहाँ पे इन्होंने रखवाया क्या है कैपिटल में। अच्छा कैपिटल में इन्होंने ट्रू फॉल्स रखवाया हुआ है। अच्छा मे बी शायद कैपिटल ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि जो सिटी है वो उस कंट्री का कैपिटल, जैसे कराची है इज़ नॉट अ कैपिटल सिटी, तो जी वो सैन फ्रांसिस्को है क्या वो कैपिटल है, तो इनमें से कोई जाहिर है एक या दो या तीन ट्रू हो सकता है, सारे सिटीज़ कैपिटल सिटी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला भाई वो वाले सिटी लाओ जो कैपिटल है, तो मेरे पास तीन सिटीज़ उठ कर आएंगे अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। अच्छा मेरे केस में जो है मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे तो सारी बुक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ये क्वेरी वाला पार्ट ही हटा दूंगा मैं। सही है क्वेरी वाला पार्ट हटा दिया मैंने, मैंने कहा कलेक्शन डेटाबेस और बुक्स मेरे केस में नाम है, तो मैं इसको गेट करूंगा बुक्स को बगैर कोई क्वेरी लगाए, तो मेरे पास सारी बुक्स आ जानी चाहिए। अच्छा फिर मैंने गेट डॉक्यूमेंट का फंक्शन कॉल किया और उसमें मेरी ये क्वेरी पास कर दी, मुझे इससे क्या मिला, स्नैपशॉट मिला, क्वेरी स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट में एक कॉन्सेप्ट है, उसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा फिलहाल, लेकिन स्नैपशॉट क्या होता है कि जी अभी जो डेटाबेस है ना उसकी एक वो फ़ोटो खींचेगा और वो फ़ोटो आपको ला के दे देगा। सही है अभी जो डेटाबेस मौजूद है उसकी एक फ़ोटो खींचेगा और वो आपको ला के दे देगा, दैट्स इट। अच्छा अब मैं क्वेरी स्नैपशॉट एक काइंड ऑफ एरे है, एक काइंड ऑफ आइट्रेटेबल है, आइट्रेबल, उसके ऊपर मैं फॉर ईच चलाऊंगा ना तो मुझे एक एक करके डॉक्यूमेंट मिलेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्नैपशॉट की एक अपनी स्टोरी होती है, अपना एक चक्कर होता है ये वो है। अच्छा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, डॉट डेटा कॉल करूँगा तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा, और डॉट आई डी कॉल करूँगा तो मुझे आई डी मिल जाएगी। आई डी कौन सी वाली है भला, आई डी जो है हमारी वो ये वाली है, ये आई डी है। अच्छा ये रैंडमली जनरेटेड आई डी है, ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि इसको, हमें रैंडमली जनरेटेड आई डी का मतलब ये है कि कुछ मैं डेटा ऐड करूँगा ना तो वो टॉप पे आ जाएगा, कुछ दरमियान में आ जाएगा, कुछ आखिर में आ जाएगा, ये वाला चक्कर है। अच्छा तो इसको अब कैसे हैंडल करना है वो हम दो मिनट में देखते हैं अभी हम। अच्छा पहले तो ज़रा इसको हम लगा देते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट और डेटा ना कभी भी अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट हैं उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा ना आएगा ना कम आएगा। अच्छा इसको कंसोल कराना है मैंने, और कंसोल कराने, चलो पहले तो कंसोल करा लेते हैं कि जी जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो क्या मुझे वो कंसोल पे सारा डेटा मिलता है। रिफ्रेश किया मैंने पेज को
और ये क्या हुआ, कोई एरर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ? सॉरी ये हो तो रहा है कॉल यार, ये तो रूट पे लिखा हुआ है ना जावास्क्रिप्ट के। विंडो डॉट, इन्होंने ऑन लोड विंडो डॉट करके बताया था। ऑब्जेक्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, यानी किसी भी एलिमेंट पे लग सकता है ये। इनपुट में कौन सा डेटा मैंने मिस किया है? नहीं नहीं कॉन्सोल पे तो आया ना, ये इतना जो चलेगा तो कॉन्सोल पे आएगा ना। ऑन लोड की स्पेलिंग भी सही है, एसिंक भी सही है। अच्छा इसको मुझे अलग से बाय द वे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से कट करके ना इसको इसी यहाँ पे इसी डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने जिक्र किया था आपको जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे कि एनोनिमस फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, तो हमेशा देखो इस तरह से पास होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने नोट कर लेनी चाहिए कि फंक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, तो फर्स्ट क्लास सिटीज़न क्या होता है, किसी फंक्शन में उसको एज अ पैरामीटर पास किया जा सकता है। तो असल में ये एड इवेंट लिसनर ना, आप इसको गौर से देखें, ये फंक्शन है और इसका पहला पैरामीटर मैंने डाला है लोड और दूसरा पैरामीटर मैंने डाला है एक फंक्शन। सही है यार, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ना इसके मैंने नाम में कोई मिस्टेक कर दी है। नहीं यार सही है, लोड लोड ही है ये, क्या मिस्टेक कर दी मैंने यार, विंडो डॉट कहाँ लिखा है? ओ यस विंडो डॉट करके लगाया यार इन्होंने। अच्छा ये वाला वो इवेंट था रेडी स्टेट चेंज, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। इसको भी ज़रा लगा लेते हैं कि तीन चार स्टेजेस होते हैं डॉक्यूमेंट जब रेडी होता है ना, तो उसका वो एक लोडिंग होता है और एक वो पता नहीं क्या होता है। सही है, ये विंडो करके ही होगा, विंडो करके ऐड इवेंट लिसनर है लोड। और ये जो स्टेट चेंज है ना ये भी चलेगा, अभी देखते हैं इसमें कितने इवेंट्स आते हैं। अच्छा लॉग इज नॉट डिफाइंड, ये कौन सा लॉग है? ओ यस ये इसने जो है वो, ये क्या लिखा है इसने यार यहाँ पे? अच्छा इसने लॉग का एक फंक्शन वो सॉरी लॉग का इसने एक एलिमेंट बनाया हुआ और उस एलिमेंट में उसको दिखा रहा है वो, तो हमने उस एलिमेंट में नहीं दिखाना, हम इसको कॉन्सोल डॉट लॉग कर देते हैं। उसने यहाँ पे उस एग्जांपल में क्या किया हुआ है कि एक डिव बनाया हुआ है और उस डिव के अंदर इसको डिस्प्ले करवाता है रेडी स्टेट को चेंज को ना, उस डिव में डिस्प्ले कराता है। दोबारा मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है रेडी स्टेट कंप्लीट करके यहाँ पे आ रहा है। अच्छा रेडी स्टेट कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो सारा डेटा है ये कहाँ से आया है? ये मेरा जो लूप चला है ना, क्या कहते हैं ये वाला जो फॉर ईच का लूप चला है, इसमें ये इसमें से सारा डेटा मेरे पास प्रिंट हुआ है। अच्छा तो बेटर ये है कि मैं क्या करूँ, ये जो सारा का सारा काम है मेरा, इसको विंडो लोड होने के बजाय ना रेडी स्टेट पे ये काम करा लूँगा, ठीक है ये ज़्यादा बेटर है। इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रेडी स्टेट पे लागे लगा दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा रेडी स्टेट जब कंप्लीट होगा तो मैंने इसको चलाना है ना, कितने हमारे पास स्टेज आ रहे हैं इसमें? डायरेक्ट ये कंप्लीट कैसे हो जा रहा है यार, इसको थोड़ा स्लो करके देखते हैं। नेटवर्क में जाके मैं क्या करूँगा, थ्रॉटलिंग को ना इसको कर दूंगा मैं स्लो 3G। अब देखते हैं उसमें कितने स्टेजेस अब आते हैं। डायरेक्ट रेडी आ रहा है भाई इसमें, वेल अब देखो क्या होता है। ठीक है भाई रेडी आ रहा है, तो इफ यहाँ पे वैसे इफ लगाना चाहिए मुझे असूलन कि इफ रेडी स्टेट इक्वल्स टू रेडी हो जब। अब यहाँ पे फॉर ईच मेरे पास चल गया, फॉर ईच में मेरे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा आने की सूरत में मैंने क्या करना है,
जो एलिमेंट्स ये ऊपर मैंने हार्ड कोडेड बनाए हुए हैं ना हाथ से, ये जो तीन बुक्स मैंने हाथ से बनाई हुई हैं, इसको मुझे डायनेमिकली जनरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, बुक डिस्प्ले ग्रिड पकड़ूंगा यहाँ से और ये डिव उसके अंदर मैंने बनाना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ये मैंने बुक को दिखाने वाली ग्रिड उठा ली और बुक को दिखाने वाली ग्रिड में अब मैं क्या करूंगा, सही है, बुक की जो ग्रिड है ना उसका इनर HTML मैं चेंज कर रहा हूँ और उसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, ये वाला पूरा आइटम लगा रहा हूँ। अच्छा, इस आइटम के अंदर क्लास वही रहेगी लेकिन बुक का नाम हर दफ़ा क्या होगा, चेंज होगा। वो कहाँ से मुझे मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट डेटा करके जो मुझे मिल रहा है ना इसमें से मुझे मिलेगा वो। डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बुक नेम की जगह पे डेटा डॉट नेम, डायरेक्ट नेम लिखा था ना मैंने, क्या लिखा हुआ है, अच्छा बुक नेम लिखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, इनर HTML करके मैंने इसको फिलहाल चला दिया है। अच्छा, लेकिन मुझे इनर HTML करके इसको नहीं चलाना है। आइडियल ये है कि मैं क्रिएट एलिमेंट करूं और उसको अपेंड चाइल्ड करूं, वो थोड़ा सा फास्ट होता है। लेकिन अभी ये जो यूज़ केस है फिलहाल हमारे पास, ये इतना सिंपल है कि इसमें आपको फील नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ये फील हो जाएगा आपको। अच्छा जी, इसको मैंने रिफ्रेश किया, रेडी स्टेट कम्प्लीट। अब रेडी स्टेट कंप्लीट के बाद ये मेरे पास आ गया। ये क्या हुआ भाई, एक बुक आया आखिर में, एक बुक क्यों आई आखिर में, एक बुक इसलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स नहीं लगाया था, सिर्फ इक्वल्स लगा दिया था, इस वजह से एक बुक आई है, सही है। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, स्लो 3G को तो ज़रा हटाऊँ मैं, स्लो 3G लगाया हुआ था ना यहाँ पे मैंने, इसको नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ मैं, सही है। ये सारी बुक्स मेरे पास डिस्प्ले हो गई। अच्छा, ये सारी बुक्स जो है वो डिस्प्ले हो रही है तो ज़रा वो स्क्रीन से बाहर निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स तो मैंने इस पर अप्लाई किया है लेकिन इस पर मैंने वो नहीं किया, क्या कहते हैं, वो रैप नहीं लगाया, ठीक है। अगर इस पर मैं रैप लगा दूंगा ना तो फिर क्या होगा, ये है ना मेरा वो डिव, तो इस पर मैं क्या लगाऊंगा, फ्लैक्स रैप, और इसको मैं करूंगा रैप, तो फिर बुक मेरी इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगी। तो आके जल्दी से ये स्टाइलिंग भी इस पर अप्लाई कर देते हैं, बुक ग्रिड, बुक डिस्प्ले ग्रिड है ना, इसको मैं कह दूंगा कि जी फ्लैक्स रैप रैप, ताकि ये क्या हो जाए, रैप हो जाए। रिफ्रेश किया मैंने इसको, रैप हो गया। अच्छा, ये पहले से जो लिखी हुई बुक थी इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं रही, तो इसको मैं यहाँ से आके HTML के फॉर्म से, ये HTML से ही इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये तीनों मैंने बुक रिमूव कर दी तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, शुरू में मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, शुरू में मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा मतलब क्या है, मुझे एटलीस्ट लोडिंग तो दिखनी चाहिए ना, मुझे एटलीस्ट लोडिंग तो दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इस लोडिंग को मैं कैसे दिखाऊँ, ये जो मेरा फंक्शन है ना
जिसमें मैं डेटा गेट करता हूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट स्टेट रेडी पे मैंने ये क्वेरी बनाई है जो, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोडिंग का कोई हिसाब किताब लगाऊंगा, मैं लोडिंग का कोई एक डिव बना के उसमें डालूंगा जिससे लोडिंग लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अच्छा, या मैं एक काम क्या कर सकता हूँ कि जो है ना आपका या मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे पहले से ही एक लोडिंग लिख दूँ, मैं एक डिव बना के लोडिंग कर देता हूँ मैं, तो शुरू में ये लोडिंग लिखा आएगा, लेकिन मसला ये लोडिंग हट नहीं रही है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक क्लास लगानी पड़ेगी और क्लास के अंदर मैं लगा दूंगा हिडन, और हिडन के ऊपर आके मैं लगाऊंगा इधर डिस्प्ले नन। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या कि शुरू में ये डिस्प्ले नन हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये क्लास इसको यहाँ पे नहीं देंगे हम, कहाँ चला गया, गायब हो गया। अच्छा, ये जो हिडन है ना, बाय डिफॉल्ट इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, इसको हम जावा स्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। अच्छा, कब ऐड करेंगे हम ये, जैसे ही मेरे पास ये फॉर ईच चलेगा ना मेरा, इसकी मुझे एक आयदाद आईडी भी चाहिए होगी फिर, सही है, लोडिंग, इसकी आईडी भी मैंने लोडिंग रख दी और क्लास भी इस पर अंदर भी मैंने लोडिंग लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मेरा ये फॉर ईच चलने वाला होगा ना, ओके, मैं लेट लोडिंग इक्वल्स टू करके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लोडिंग, इसको मैंने एक वेरिएबल में उठा लिया, और जैसे ही मेरा स्नैपशॉट चलेगा फॉर ईच का, तो मैं क्या करूँगा, डेटा पकड़ने से पहले मैं कहूँगा लोडिंग डॉट ऐड, क्या होता है वो, क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट डॉट ऐड हिडन, सही है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि ये जितनी दफ़ा चलेगा ना ये फॉर ईच, उतनी दफ़ा ये क्लास ऐड करेगा। तो क्या मैं इससे पहले लगा सकता हूँ इस लाइन में, इस लाइन में मैं नहीं लगा सकता। इस लाइन में लगाने का मतलब है कि देखो, असल में डेटा ये लाता है जब इस पर चलता है ना डॉट गेट डॉट डेटा, जब चलता है ये वाला, जब लाता है ये डेटा, तो ये स्नैपशॉट पे तो अवेट लगा हुआ है, तो अगर मैं इस जगह पे लगाता हूँ ना, तो लोडिंग थोड़ा पहले गायब हो जाएगा और डेटा थोड़ी देर के बाद आएगा, ठीक है। ज़रा इसको यहाँ पे भी लगा के देखते हैं, शायद वो स्क्रीन पे फील ना हो, लेकिन असल में वो होगा यही कि लोडिंग थोड़ा पहले गायब हो जाएगा और डेटा थोड़ी देर में आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको लगाता हूँ अंदर, तो उससे क्या होगा, जितनी दफ़ा वो फॉर लूप चलेगा ना, उतनी दफ़ा वो क्लास ऐड करेगा, और एज अ रिजल्ट मेरे पास देखो किस तरह का बन जाएगा ये। अच्छा नहीं यार, इसने एक ही दफ़ा ऐड किया, मतलब मे बी इन्होंने कोई इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है इंटरनली कि अगर एक ही क्लास को दोबारा ऐड किया जा रहा है ना, तो वो ना चले, लेकिन हाँ रीलोड होने पे तो HTML ओरिजिनल आएगी। नहीं, मगर ये लाइन जो है ना एक दफ़ा चलनी चाहिए ना, ये लाइन उतनी दफ़ा चल रही है जितनी दफ़ा ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। असूलन मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, जो मेरा जो डॉम के जो फंक्शंस हैं, मुझे उसको इस्तेमाल करते हुए इसको ऐड और रिमूव करवाना चाहिए, और ये जो मैं फॉर लूप चला रहा हूँ ना यहाँ पे भी इनर HTML, तो इसको मुझे डॉम के फंक्शन से करना चाहिए। उसमें हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है कि जैसे ही फॉर लूप चलता है, मैं पहले देखूंगा कि जी फर्स्ट चाइल्ड अगर इसके इक्वल है तो मैं उसको हटाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं हटाऊंगा, इफ लगा दूंगा उसमें, ठीक है। मतलब क्या होगा कि मैं फॉर ईच के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक इफ होगा, ठीक है, और इस इफ के अंदर मैं क्या पकड़ूंगा, मैं तो इसका वो लूंगा कि भाई ये वाला जो आइटम है ना, इसके एट्रीब्यूट हिडन लगा हुआ है क्या, इस तरह से कंडीशन लगा सकता हूँ। या मैं ये कर सकता हूँ कि जी उसका पेरेंट उठाऊंगा, पेरेंट के अंदर फर्स्ट चाइल्ड उठा के पूछूंगा भाई क्या हिडन है उसका नाम फर्स्ट चाइल्ड का, तो उसको मैं रिमूव करवा दूंगा वहाँ से, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है, लेकिन अभी हमने इसको फिलहाल ऐसे ही कर दिया। डॉक्यूमेंट लोड पे क्या, नहीं डॉक्यूमेंट लोड पे तो असल में हम डेटाबेस में क्वेरी लगाते हैं, डेटाबेस से ज़रूरी नहीं है कि डेटा फौरन आ जाए,
समटाइम 6-7 सेकंड भी लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर डॉक्यूमेंट डॉट लोड पे मैं इसको रिमूव कराऊंगा तो वो लोडिंग बहुत पहले गायब हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम एक चीज और देख लेते हैं जरा। डेटा डॉट लेंथ को अब मैंने क्या करवा दिया, कंसोल करवा दिया। यार नहीं, डेटा तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, इसकी मुझे लेंथ भी मिलती है बाय द वे, पता नहीं स्नैपशॉट करके मिलती है कैसे मिलती है। अच्छा, मुझे वो लेंथ क्यों चाहिए? मुझे वो लेंथ इस वजह से चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है तो मुझे उसको भी तो हैंडल करना है ना, कि जी नो डेटा फाउंड या नो बुक्स फाउंड, उसको भी तो हैंडल करना है। तो वो मैंने अलग से देख लिया यहाँ पे, क्योंकि फायरबेस मैं डेली यूज़ नहीं करता, आई डोंट लाइक दिस डेटाबेस, तो वो इतना जहन में भी नहीं रहता फिर, तो मैं इसलिए यहाँ से अलग से देख रहा हूँ। अच्छा, स्नैपशॉट पे ही मेरे पास जो है ना डायरेक्ट डॉट लेंथ लग जाता है, स्नैपशॉट पे ही डॉट लेंथ लग जाता है मेरे पास। किसी ने ये लिखा है कि भाई 2023 में इस तरह से हो रहा है, चेंज कर दिया इन्होंने, डॉट काउंट करके हो रहा है। तो पहले मेरा ख्याल है मैं डॉट काउंट वाले को देख लेते हैं, डॉट काउंट करके तो नहीं आ रहा है, कैसे बताया इसने डॉट काउंट, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट काउंट। ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है ये। स्नैप डॉट साइज, एक बंदे कह रहे हैं डॉट साइज से मिलेगा, ये क्या चक्कर है यार, ये बहुत फ्रीक्वेंटली इन्होंने चेंज किया लग रहा है ये। इंटेलिजेंस में जरा देखते हैं क्या बता रहा है, डॉट लगा के क्या क्या आता है इधर। जी भी भेज देता हूँ, डॉक डॉट डेटा डॉट, नहीं है लेकिन इससे तो नहीं आया था, इससे नहीं आया था। इससे नहीं पकड़ में आया था, नहीं ये अनडिफाइन आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने साइज बताया हुआ है, किस पे लगेगा ये डॉट साइज, क्वेरी स्नैपशॉट पे डॉट साइज लगेगा। ओ मैन, क्वेरी स्नैपशॉट पे डायरेक्ट डॉट साइज लगेगा ये कह रहा है, अनडिफाइन आ रहा है लेकिन। ओ आ तो गया यार, ये रहा 7 आ गया मेरे पास साइज। अच्छा, ये कैसे पकड़ में आया, ये इस तरह से पकड़ में आया,
क्वेरी स्नैपशॉट पे ना जो डायरेक्ट अवेट के बाद फौरन ये लगा दिया हमने। अच्छा जी, अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, अगर तो ये वाला होगा ना जीरो होगा, अगर ये कहाँ गया, ये जो साइज है अगर ये जीरो होगा तो इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, ये लूप इन द फर्स्ट प्लेस चलेगा ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इफ लगाना पड़ेगा, इफ ये जो साइज है अगर ये जीरो है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये बुक की ग्रिड उठाऊंगा पूरी, और बुक की ग्रिड उठा के मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो उसका वो हिडन करूंगा ना, लोडिंग, लोडिंग को हिडन कर दूंगा मैं। चलो लोडिंग को तो मैंने टॉप पे हिडन करवा दिया। हेलो, अच्छा डॉट इनर एचटीएमएल करके मैंने क्या कर दिया, एक डिव बना दिया यहाँ पे नया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नो बुक्स फाउंड, सही है। रिफ्रेश किया मैंने इसको आके, पहले लोडिंग लिखा हुआ आएगा, अच्छा बुक तो अभी है मौजूद है, तो आके मैं ये पूरा कलेक्शन अपना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मेरे पास जो है ना नो डेटा आ जाए, ज़रा उसको भी ज़रा टेस्ट कर लें। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो पहले लोडिंग आता है, उसके बाद नो बुक्स फाउंड लिखा हुआ जाता है। तो ये हमने दोनों तीनों जो तरीके थे उसको क्या कर लिया, यहाँ पे हैंडल कर लिया।